वैसे मोदी जी अपने स्कूल में रोज लंच में एक उबला हुआ अंडा और एक तला हुआ ब्रेड दिया जाता है। मुझे तो अंडा ब्रेड खाने में बहुत ही मजा आता है। वैसे तो चाहे मैं भले ही स्कूल पढ़ने के लिए ना हूँ, लेकिन ये अंडे ब्रेड के लिए रोज पढ़ने के लिए आता हूँ स्कूल में। राहुल तुमने मेरे बिल्कुल दिल की बात कह दी। लंच में रोज अपना लोगों को एक प्लेट में अंडा और ब्रेड मिलता है। अपने स्कूल के टीचर सबको एक अंडा और ब्रेड देते हैं प्लेट में। मुझे ब्रेड बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं रोज स्कूल आता हूँ। एक दिन की भी स्कूल की छुट्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि रोज स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अंडा और ब्रेड खाने को मिलता है। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, अगर एक ब्रेड के साथ दो अंडे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरा एक अंडा और एक ब्रेड से बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है। अगर दो अंडे मिल जाते तो दिल खुश हो जाता, क्या करूं, एक ही अंडा एक ही ब्रेड मिलता है। लालू जी कम से कम आपको अंडा और ब्रेड मिल तो जाता है। देखो स्कूल के मास्टर साहब ने मेरी प्लेट में सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है, अंडा मुझे दिया ही नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई मोदी जी, राहुल जी और लालू जी, आपको अंडा ब्रेड दोनों चीजें दिए और मुझे देखो सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड दिया है। अगले स्कूल मास्टर ने अगर तुम्हें सिर्फ ब्रेड दिया है तो मुझे सिर्फ अंडा दिया है, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मोदी जी राहुल जी और लालू जी को बिल्कुल अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे रहे हैं, हमें सिर्फ अंडा दे दिया, अखिलेश को सिर्फ ब्रेड दे दिया, ये कोई बात हुई? कल से मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए आऊंगा ही नहीं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अरे शिवराज सिंह जी, अखिलेश कम से कम तुम्हें अंडा या ब्रेड मिल तो गया, ना मुझे अंडा मिला है ना ब्रेड मिला है। ये हमें साजी टीचर गए कहाँ पर, ये कुछ स्टूडेंटों को अंडा ब्रेड दोनों चीजें दे के चले गए, और किसी को अंडा दे गए, किसी को ब्रेड दे गए, और किसी को कुछ नहीं दे गए, जैसे मुझे कुछ नहीं दे गए। देखो अखिलेश, शिवराज सिंह जी और केजरीवाल जी, तुम तो बेपालतू में चिंता कर रहे हो तीनों लोग। अरे अपने स्कूल के टीचर अमित शाह जी अंडा और ब्रेड और लेने के लिए गए। अब शिवराज सिंह जी तुम्हें सिर्फ अंडा मिला है तो तुम्हें ब्रेड देंगे वो, और अखिलेश तुम्हें ब्रेड मिला है तो तुम्हें अंडा और मिलेगा, और केजरीवाल जी तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो तुम्हें अंडा ब्रेड दोनों चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कोई चीज मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, सबको सब चीज मिलेगी। ये अमित शाह जी मुझसे कह के गए हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी कितनी देर लगेगी इस गाजर के हलवे को बनने में? 2 घंटे से हम बैठे हैं, अभी तक तुम्हारा गाजर का हलवा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आपके गाजर के हलवे में से। लालू जी सब्र करो, बस थोड़ी देर की बात है, मेरा गाजर का हलवा बस तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ी देर की बात है। ये देखो सारे लोग थाली लेकर खड़े हैं एडवांस में। मोदी जी आपको ऐसा नहीं लगता आपने कढ़ाई में गाजर का हलवा ज्यादा बना लिया? गाजर का हलवा कढ़ाई से ज्यादा ही बाहर आ रहा है, कहीं गिर ना जाए। और कितनी देर में ये गाजर का हलवा तैयार होगा? आप तो कह रहे थे सिर्फ 5 मिनट लगाता हूँ पकाने में, अरे हमने गाजर भी लाके दे दी। राहुल तुमने क्या अकेले गाजर लाके दिए? मैंने चीनी लाके नहीं दी है, शक्कर तो मैंने लाके दी है। मोदी जी का काम तो सिर्फ पकाने का है, तुमने गाजर लाके दी, मैंने शक्कर लाके दी। और अखिलेश हमें भूले जा रहे हो, जिस कढ़ाई में ये मोदी जी पका रहे हैं वो कढ़ाई तो मैंने ही लाके दी है। अपना लोगों ने ये तय किया था कि गाजर राहुल लाएगा, शक्कर अखिलेश तुम लाओगे और मैं कढ़ाई लाऊंगा। और ये जो मेरे पीछे केजरीवाल खड़े हैं, इन्होंने घी ला के दिया है, और लालू जी लकड़ी लाए। बस इसी तरीके से मिल बांट के गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी कुछ लेके नहीं आए। अरे योगी जी अगर मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, पकाने की मेहनत नहीं है। तुम्हें किसी को पकाना आता है गाजर का हलवा? कोई भी बनाना नहीं जानता है। अब जब से गाजर का हलवा मैंने बनाना शुरू किया है तब से तुम थाली लेकर खड़े हो, कम से कम थोड़ी देर बैठ तो जाओ, खड़े खड़े थक नहीं रहे हो तुम? वो मोदी जी हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप जो गाजर का हलवा बना रहे हैं इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और हमसे सब्र नहीं हो पा रहा है खाने के लिए, ऐसा लग रहा है जल्दी खाने को मिले। कोई बात नहीं है केजरीवाल, बस 1 मिनट का इंतजार और कर लो, गाजर का हलवा बनने ही वाला है। योगी जी आपके घर में बड़ी कढ़ाई नहीं थी, ये छोटी कढ़ाई ला के दे दी तुमने, गाजर का हलवा ज्यादा है और ये कढ़ाई छोटी है, इसमें से निकल रहा है ऊपर को। नहीं मोदी जी मेरे पास यही छोटी कढ़ाई थी, बड़ी कढ़ाई लालू जी के पास थी, उन्होंने दी ही नहीं। अरे योगी जी मैं कितनी चीजें लाके देता, मैंने लकड़ी लाके नहीं दी है? अरे लकड़ी को चूल्हे में जलाकर ही तो गाजर का हलवा बनाया जा रहा है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी अपने जुगाड़ को रोक लो, इस जुगाड़ को रुकवा लो, राहुल से कह के मैं गिर जाऊंगा, मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ हूँ। ये बताओ मैसी जी, क्या तुम मेरे जुगाड़ पर आगे तुम अकेले बैठी हुई हो? मैं खुद भी आगे बैठा हुआ हूँ जबकि ये मेरा खुद का जुगाड़ है, और मेरे इस जुगाड़ को राहुल चला रहा है, बड़े प्यार से चला रहा है। थोड़े बहुत लोग थोड़ी बैठे हुए, देखो कितने लोग बैठे हुए, तुम्हें अकेले डर क्यों लग रहा है? अरे मोदी जी मैं इस जुगाड़ को चला रहा हूँ, इसका हैंडल इधर उधर क्यों हो रहा है? किस चीज का हैंडल लगाया है
है आपने इस जुगाड़ में? ये भी राहुल को ही बताने वाली बात है, तुम ही चला रहे हो, देख नहीं रहे हो ये साइकिल का हैंडल है? ये तो जुगाड़ है, सब जुगाड़ से बनाया है मैंने इसको। मेरे खेत के पानी वाले पंप का इंजन लगा दिया है मैंने इसमें। अरे मोदी जी, ये आपका जुगाड़ सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, सवारी कुछ कम कर दो, बहुत सवारी है आपके इस जुगाड़ में बैठी हुई। मुझे इसमें बैठी हुई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतार दो। अरे केजरीवाल, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं तो लटका पड़ा हूँ बाहर, देखो कैसे लटका पड़ा हूँ। क्या करा जाए, मोदी जी का जुगाड़ हाउसफुल चल रहा है इस टाइम, ओवरलोड बिल्कुल, बहुत सवारी मिल रही है मोदी जी को अपने जुगाड़ पर। अरे मनमोहन सिंह जी, सवारी मिलेंगी नहीं, जुगाड़ भी तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है मोदी जी ने। पता नहीं टायर किस चीज के डाले हैं इन्होंने। अरे टायर इन्होंने पुरानी एक कार के डाले, कबाड़ खाने में से टायर मैं ही इनके साथ खरीदने गया था। अरे लालू जी बातें करते रहोगे, थोड़े आगे हो जाओ, मैं गिर जाऊंगा, बिल्कुल पीछे लटका हुआ हूँ, सबसे पीछे मैं ही हूँ। अरे ये बड़ा गड़बड़ हो गई, नीतीश कुमार इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। मोदी जी रोको रोको, ये क्या आफत बना ली है तुमने, और इसमें सवारी कितनी है, पूरा ओवरलोड कर रखा है तुमने, इसके कागज दिखाओ मुझे, प्रदूषण इंश्योरेंस और इसकी रजिस्ट्रेशन सब दिखाओ मुझे। अब सर जी मैं इसका प्रदूषण बीमा और रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाऊं, ये तो मैंने अपने हाथ से जुगाड़ बनाया है, बस इस पे थोड़ी बहुत सवारी या मजदूर इधर उधर ढोके अपनी मजदूरी कर लेता हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा था मोदी जी, तुम इस जंगल के रास्ते से अपने इस जुगाड़ को निकाल के ले जाओगे तो मैं मिलूंगा नहीं रास्ते में, मैं हर जगह नजर रखता हूँ, तुम्हारा चालान कटेगा, ओवरलोड पे भी और प्रदूषण भी नहीं है तुम्हारा, बीमा भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इस जुगाड़ का। अरे सर जी इस जुगाड़ को छोड़ दीजिए, हमें बहुत जल्दी शहर पहुँचना है, छोड़ दो। अरे योगी जी मैं कहाँ से इन मोदी जी के जुगाड़ में बैठ गया, बड़ा गलत बैठ गया, एक तो इनका जुगाड़ ओवरलोड है सवारियों से बिल्कुल, ऊपर से नीतीश कुमार सर जी ने चालान कर दिया। अरे कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर नीतीश सर जी, आप चालान काटो इन मोदी जी का, कम से कम आगे ये अपने जुगाड़ को ओवरलोड तो नहीं करेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।